Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. I will come back to my channel. गाइज आप अब लवन तो है मी लव मी लाइक यू टू लव स्टोरी के फेवरेट में क्या ने एकदम से बेहोश हो गई थी जिस जिसपे काव्या की तो जान हथेली में आ जाती है हर एक ही मरबर तो नहीं गई काव्या तुरंत लवनिया की सांसें चेक करती है लवनिया की सांसें चलती देख के काव्या की भी सांस में सांस आती है फिर काव्या लवनिया को अपने बाहों में भरती है और अपने कैबिन में ले जाती है सोफे प्लेट आती है फिर इस पर पानी डालती है लवनिया लवनिया आँखें खोलो क्या हुआ तुम्हें उठो तब तो एकदम से लवनियाँ उठती है और उठ के बैठती है और भाई जो लवन रोना चालू करती है बाप रे बाप लवन एक बार जो रोना चालू करती है वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी लवन रोई जा रही थी रोई जा रही थी और यहाँ काव्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी थी क्या हुआ तुम्हें और अरे चुप हो जाओ तो तुम्हें से रो क्यों रही हो अरे हुआ क्या कुछ तो बताओ लेकिन लवनिया कुछ भी नहीं बोल रही थी रोने के अलावा उसे कुछ आ ही नहीं रहा था उस टाइम पे यहाँ से लवनया के फेस कोल्ड करते और यूँ ऊपर करते अपनी तरफ चुप बताओ क्या हुआ तुम्हें हाँ और यहाँ लवनया जो है वो अपनी भीगी भी आँखों से जैसे काव्या की तरफ देखती है तो काव्या को थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है काव्या खुद ही अपनी नज़रें चुरा लेती है और लवनया के फेस से अपना हाथ हटा कर थोड़ी दूर हो जाती है हम क्यों क्या तुम्हारी तबीयत खराब है हाँ लवनया कुछ भी नहीं बोलती और वैसे खड़ी होती है और बस कैबिन से बाहर चली जाती है यहाँ काव्या को कुछ समझ नहीं आता अरे ये पागल वागल है क्या ना तो कुछ बोल रही है बस रोने पे जोर रहा खैर मुझे क्या जो करना है करे यहाँ काव्य इतना बोल के अपना बैग लेती है कैबिन से बाहर आती है तो वो लवन्या को देखती है लवन्या वहाँ से जा रही थी जिस पर काव्य भी लिफ्ट की तरफ आती है काव्या जैसे लिफ्ट का बटन दबाती है तो लिफ्ट खुल जाती है और लिफ्ट के अंदर लवनया भी थी काव्या तो भी चुपचाप लिफ्ट के अंदर चली जाती है और काव्या अच्छा जो है वो बार बार लवनया को देख रही थी लवनया अब रो तो नहीं रही थी लेकिन उसकी आंखें सूज गई थी तभी एकदम से लिफ्ट जो है वो झटका खाती है जिस जिसपे अब काव्या थोड़ा घबरा जाती है और वो लिफ्ट को इधर उधर से पकड़ने लगती है क्या क्या, हो गया ये लिफ्ट को ये झटका जट, क्यों खा रही है हेलो गा, गार्ड कोई 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 को है क्या बाहर काव्या थोड़ा घबराने लगती है और यहाँ लवहनिया वो चुपचाप नीचे बैठ जाती है लिफ्ट में काव्य की हालत तो खराब होती जा रही थी जिसपे लवनिया अपने आंसू को पूछ दिया और वो काव्या के पास आके बैठती अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और काव्या की तरफ करती हैं काव्या तुरंत तो लवनिया के हाथ से पानी की बोतल लेती हैं लेकिन वो इतनी घबरा गई थी कि बेचारी से बोतल का कैप भी नहीं खोल रहा था जिसपे लवनिया वापस बोतल लेती है कैप खोलती है और फिर लवनिया काव्या को पानी देती है काव्या जल्दी से पानी पीती है जल्दबाजी में पीते हुए उसके शर्ट पर पानी गिर गया था जिसपे यहाँ लवनया वो रुमाल निकाल है और काव्या की शर्ट को यूँ साफ़ करने लगती है लवनिया का हाथ गलती से काव्या के नेक पे लग जाता है जिस पे काव्या तो यूँ लवनिया को देखने लगती है एक बार फिर से लवनिया काव्या के बहुत गरीब थी काव्या के हार्ट बीट एकदम से ही तेज़ होने लगती है और काव्या लवनिया को देख ही जा रही थी कितने में ही जो है वो लिफ्ट ठीक हो जाती है और फिर से चलने लगती है लवनिया थोड़े दूर हो के खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में लिफ्ट ओपन हो जाती है लोगों ने अभी ना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और काव्य वहीं लिफ्ट में खड़े होकर कुछ सोचने लगती है आँखें बंद कर दिए उसे ऐसे फील होता है जैसे पहले भी वो ये सेम फीलिंग फ़ील कर पा रही हो जैसे अभी लगभग उसके पास आई तो उसे कुछ फ़ील हुआ काव्य कैसे लगता है जैसे पहले भी ये मोमेंट जी चुकी है उसे पहले भी ऐसा फील हुआ वो लेकिन काहव्य एकदम से आँखें खोलती है और कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया और फिर काव्या जो है वो अपनी पार्किंग में जाते हैं अपनी कार लेती है और अपने घर आ जाते हैं जहाँ लवनिया अभी अपने फ्लैट में आ जाती है और तभी उसकी जो लैंड लेडी होती है वो फिर से आ जाती है लवानिया को परेशान करने के लिए लवन्या के पास जितने भी पैसे थे लवान्या उसे थी देती है पर ये पूरा किराया नहीं बनता था, था वो कहते अरे ये तो पैसे बहुत कम है लवनिया बोलती प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए मैं आपके बाकी के पैसे भी चुका दूंगी वो है लेडी आई तो झगड़ा करने थी लेकिन लवनिया का चेहरा देख के उसे तरस आ जाता है कि वो लवनिया का इतना सा चेहरा बना हुआ था रो रो के उसकी नोज और आँखें तो वैसे ही रेड होगी हुई थी तो कहती थी ठीक है ठीक है अभी तो जा रही हूँ लेकिन दो तीन दिन में अगर पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना तुम इतना बोल के चली जाती है यहाँ लवनिया अपने बेडरूम में जाती है बेड पर आराम से लेट जाती है और अपनी आँखें बंद कर लेती है लवनिया और फिर से ज़ोर जोर से रोने लगती है शायद उसके मन में बहुत सी चीज़ें थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी और लवनिया वो सब किसी के कि साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी इसलिए वो बस रोई जा रही थी रोई जा रही थी रोई जा रही थी फिर एकदम से लवनिया रोते रोते ज़ोर जोर से हंसने लगती है अब समझ नहीं आ रहा कि उसका दिमाग घूम गया या क्या बस रोते रोते हंसना चालू देती है और हंसते हंसते रोते रोते वो सो जाती है अगले दिन लवनिया के मोबाइल में अलार्म बजे जा रहा था लवनिया तुरंत उठती पहले तो मोबाइल चार्ज लगाती है शावर लेती है देन वो ऑफिस के लिए चले जाती है आज जैसे ही वो ऑफिस आती है ना तो वो सीधा काव्य के कैबिन में जाती है <coughs> काव्य बोती क्या है लवनिया बोती वो आपका शेड्यूल और थैंक थां, यू कल मेरी हेल्प करने के लिए काव्य पति कम खाया करो लबन एक्सक्यूज मी

मुझे कब कॉफी ब्लॉक मेरा सर वो दिख रहा है लवनिया बोधिया ओके लवनिया चाहती है वो कॉफी बना के लेके आती है कॉफ़ी देती है देन अपना काम करने लगती है लवनिया अपना काम कर रही थी कि तभी तो उस की लड़की की एंट्री हो जाती है और वो काबे के केबिन में जाने के बजाय लवनिया के पास आके उसके सामने ना एक मतलब गिफ्ट बॉक्स रख दिया दिस इज फॉर यू लवनिया बोधिया बट मुझे नहीं चाहिए अब इसे वापस रख लें जिस मैं एक बार किसी को कोई गिफ्ट दे दूँ तो वापस नहीं लेते दिस इज़ नॉट माई टाइप तभी लमनिया बोते हैं एक्सक्यूज मी मिस फेट ए मिनट लमनिया खड़ी होती है वो गिफ्ट बॉक्स उठाती है उस लड़की के हाथ पकड़ के उसके हाथ में देती है और मैं भी अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेती दिस इज़ नॉट माई टाइप अब चाहिए मुझे बहुत काम करना है लवनिया का ये एटीट्यूड इस लड़की को काफ़ी इंप्रेस करता है वो कहते हैं ना अगर कोई चीज़ हमें आसानी से ना मिले ना तो हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी सारी मेहनत करते हैं और लड़की भी कुछ ऐसी थी लवनिया को बार बार टीज कर रही थी उससे बात कर रही थी और उसे कहती तुम लंच पे चलो कि मेरे साथ फ्री हो गया लवनिया बहुत बिल्कुल भी नहीं मुझे बहुत काम है लवनिया उसे इतना एटीट्यूड दिखा चुकी थी लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं मारते थे यहाँ काव्य जो है वो अपने कैबिन से बाहर निकल जाए क्योंकि उसे एक मीटिंग पे जाना था तभी वो उस लड़की को वहाँ देखती है और कहती है ये यह यहाँ क्या कर रही है काव्य आती है तुम यहाँ जिस पर वो पीछे टर्न होती है हाँ अब तुमसे तो मिलने आई थी लेकिन लगता है तुम थोड़ा बिजी हो और जिसको कहती मुझसे मिलने आई थी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कैबिन में तो क्यों नहीं आई तो कहती तो वो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से पूछ रही थी तुम्हारे शेड्यूल के बारे में मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाह रही थी काव्य है पर लच इज़ नॉट योर टाइप राइट जिस पर हाँ पर कभी कभी लोगों के हिसाब से अपना टाइप बदलना पड़ता है ये बोल के वो लवनया की तरफ देख रही थी लाइक लट लवन से भी चालू था जिसे काव्य स्टम समझ नहीं पा रही थी मैंने काव्य है आई एम सो सॉरी आज तो मैं बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो दीदी तो इट्स ओके अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बोले जाती हूँ अपने साथ लंच पे तो क्या मुझे अकेले लंच करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा इतना बोल के वो लवनिया की तरफ देखती है काव्य बुधी श्योर लवन्या तुम जाओ इसके साथ इसे कंपनी देना लंच पे जिस जिसपे लवन्या बुधी पर मुझे बहुत काम है काव्य बुद्धी आहिया बॉस मैं डिसाइड करूँगी तुम क्या काम करोगे क्या नहीं दैट्स माई ऑर्डर तुम इसके साथ लंच पे जाओगे जिस पर लवन ने उस लड़की को गुस्से में घूर दिया यहाँ काव्य बल्कि मीटिंग के लिए चले जा रही है काव्य इतनी स्टूपिड है वो समझ ही नहीं पा रही कि यहाँ चले क्या रहा है मैंने यहाँ लवन ने अपना काम कर रही थी लेकिन वो लड़की फिर भी वहीं खड़ी थी और उसे डिस्टर्ब कर रही थी लवनिया बोलती है कि प्लीज़ जाइए मुझे काम करने दीजिए जिस पर गई तुमने सुना नहीं तुम्हारी बोस्ट ने क्या क्या मुझे कंपनी दो लवनिया बोली मैंने अच्छे से सुना उन्होंने लंच टाइम आपको कंपनी देने को बोला था और ये लंच टाइम नहीं है तो प्लीज़ कैन आई डू माई वर्क इस पर कहती ओके श्योर बेबी अमल शंक तो मैं पिक करने आऊँगी सैड ही है ना लोहनिया फुल इरीटेट हो गई थी इस घर की लड़की से लेकिन क्या करे बॉस का ऑर्डर था वो लड़की वहाँ से चली जा रही है लोहनिया अपना काम कर रही थी वहाँ दूसरी तरफ काव्या उसकी तो, तो मीटिंग्स पे मीटिंग्स चले जा रही थी जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो काव्या को उसके फ्रेंड के कॉल आते हैं जो उसे कहता है यार हम सो सूरी काव्या काव्या बहुत फॉरवर्ड कहते हैं यार तुम्हारे लिए गलत डिसीजन लिया मैंने काव्या बोति किसकी बात कर रही हो मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि इतने में ही सिग्नल की वजह से कॉल कट कर जाओ कट हो जाता है काव्य बहुत यार एक तो यार नेटवर्क भी बहुत शुक्र है फिर काव्या फिर अपने काम के लिए निकल पड़ती है यहाँ तो उसी तरफ लवनया को वो ठल्कि लड़की लंच टाइम पिक करने आती है लवनिया जाना तो नहीं चाहती थी पर वो काव्या को जो है वो गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी इसलिए उस थर की लड़की के साथ लंच पे चली जाती है और धर की लड़की जो होती है वो लवानिया को लंच के लिए एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ उसने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया था लवानिया को टेबल पर बैठा था लवनयाबो ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ भीड़ भाड़ क्यों नहीं है फिर जिस वजह थी क्योंकि बेबी मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक किया लवानिया बहुत आई एम नो चोर बेबी जिस पर क्या दिखा मोन बेबी आई नो तुमने मुझे उस लड़की को घिस करते हुए दिखा तब वो शो में राइट right? तभी तो तुम मुझसे ऐसे चिढ़ रहे हो ना एक्चुअली मुझे सुंदरता बहुत अट्रैक्ट करती है तुम बहुत सुंदर हो अगर तुम मेरे साथ अच्छे में आ जाओ तो तुम्हारे लावा मैं किसी को नहीं देखूँगी आई सुन इतना बुले को टच करने लगती है लोगों ने बोलती यू

काव्या कहती है ये लवन कहाँ गई तब उसे याद आता किसी ने तो खुद उसे बोला था लंच पे जाने का तो वो फिर अपने कैबिन में चली जा है तभी काव्या अपने फ्रेंड को कॉल करती है हाँ उस टाइम सॉरी कुछ बोल रहे थे सुनाई नहीं दे रहा था नेटवर्क इशू था जिस पर कहते अरे यार हम सो सॉरी मौजूद माले जो लड़की चूज़ की थी डेट के लिए वो एक नंबर की घटिया लड़की है लवन याबी सॉरी काव्या बती मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं जिस पर कहते अरे यार एक नंबर की ठटकी लड़की है वो जब तुम्हें मिलने आई थी ना तब भी वो किसी के साथ एनीमेट anyway, तुम बस ये समझ लो कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है उसके बहुत अफेयर्स हैं वो बस एक नंबर की डेढ़ है वो लड़कियाँ होती है ना वन नाइट स्टैंड टाइप वो वैसी है हर जगह मुँह मारती है तो तुम प्लीज़ थोड़ा उससे दूर ही रहना कहाती मैं मैं कुछ समझी नहीं जिसमें कहते अरे कह तो रहा हूँ वो बहुत ख़राब लड़की है मतलब पहली बार ही डेट पे उसे वो सब करना होता है और एक बार जो जिसके साथ कुछ कर ले तो बस और उसे जो चाहिए उसे वो हासिल कर लेती है जब तक हासिल ना करे तो पीछे पड़ी रहती है बहुत लाइक मुझे बस अभी पता चला कि उसने एक लड़की को ड्रक दे के उसके साथ जबरदस्ती तो तुम तो प्लीज़ उससे दूर रहना अब सुनती है तो तुरंत कॉल करती है हाँ जैसे मैं तो उस पर पीछे मरे जा रही थी ना काव्य अपना काम कर रही थी और तभी एकदम सडनली उसे याद आता है शीट लवानियां तो उसी के साथ है कांवया के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं फिर कहव्या बहुत ही लवन या बच्ची नहीं अपना ख्याल रख सकती है वहाँ जो से तो उस लड़की ने जो खाना ऑर्डर किया था ना तो वो लव अनया की प्लेट में खुद खाना डालती है लवनिया बोती मैं बच्ची नहीं हूँ मैं खाना खुद ले सकती हूँ जिस वो अरे मैं प्यार से दे रही हूँ बेबी तुम तो मुझसे ही मांगे लवन बोती यो ये बेबी बेबी क्या होता है आई एम नोट यूर बेबी लवनया मतलब लिमिटेड रहना चाहती थी उसके साथ लेकिन वो तो बात बाद उसकी ठलकबाजी आ जाती थी बीच में वैल well, लवनिया को काव्या की कॉल आती है लवनिया थोड़ा साइड होके कॉल पिक कर दिया तभी वो लड़की लवनिया की प्लेट मैंने कुछ मिला देती है और अच्छे से मिक्स कर देती है लवनिया को जैसे ही कॉल आती है लवनिया है हेलो काव्या बोती कहाँ तुम लवनिया बोती आपने बोला था आपकी फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए तो उसी के साथ लवनिया बात कर रही थी तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है जो तेरे अरे बीवी तुम मुझे कितना वेट कराओगी चलो ना खाना ठंडा हो रहा है लवन रिटेट हो गई थी टों टच में मैंने बोला ना अब नो छिपे अभी मुझे प्लीज़ टच मत करो और भी कहावे सब सुन लिएती थे इतने में वो लड़की होती अच्छा ना चलो और लमन्या का हाथ पकड़ के उसका वहाँ से मोबाइल लेके कॉल भी करके देती है अब काव्या को समझ आती है कि मतलब कुछ तो गलत होने वाला है वो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलती है कार ले दिए और लवनया अगर नंबर ट्रेस करवाते कि कहाँ है थोड़ी देर में लोकेशन आ जाती है और यहाँ काव्या जो है उसी रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है यहाँ लवनया जैसे ही खाना खाती है ना तो मतलब उसे कुछ अजीब सा होने लगता है धुंधला धुंधला सा कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आँखें एकदम से बंद सी हो रही थी जैसे ही वो लड़की देखती है कि लवनया को नशा हो रहा है वो तुरंत अपनी चेयर लवनिया की चेयर के करीब कर लेती है और लवनिया को टच करने लगती है यहाँ लवन्या फुल नशे में मतलब तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी वो लड़की लवनिया को भी उठाती है और इसके यहाँ मतलब चीक्स वैसे किस करते है उसके यहाँ फिर फौरन किस स्टार्ट का मतलब तो बिना टाइम वेस्ट किए ना वो लवन्या को टच कर रही थी किस कर रही थी और लवन्या उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी तभी वो लमन्या को मतलब उठाती है और इसे किस करते हुए ना यूँ उस रेस्टोरेंट से बाहर लेके जा रही थी यहाँ लमन्या उसे खुद से दूर करने की के कोशिश कर रही थी पर वो तो लमन्या को ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा दिया और ड्राइवर को बहुत गाड़ी चला ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो खुद लमनिया को टच कर रही थी उसे किस कर रही थी मतलब घर तक जाने तक वेट नहीं हो रहा था इतनी की लड़की थी यहाँ कावे अभी उस रेस्टोरेंट में आ हाँ जाती है पर वहाँ लवन ने आ नहीं थी तो वो बेटे से पूछती है बेटा बताता है कि उनकी फ्रेंड ना दब ढंग से चल नहीं पा रही थी वो अपनी फ्रेंड को कुछ ज़बरदस्ती लेके जा रही थी मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था पूरा रेस्टोरेंट भी उन्होंने बुक कर लिया और वो बेचारी बार बार उसने कह रही थी कि मुझे मत छो लें फिर भी वो उसे छू रही थी जिस पर काव्य उस बेटे को पकड़ तो तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया जिस पकड़ता सॉरी मैम सॉरी मैम यहाँ काव्य कार मैं बैठती है ड्राइव करती है काव्य को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अगर लवनिया के साथ कुछ भी गलत हो जाता ना तो काव्या ख़ुद को माफ़ ना कर, कर पाती क्योंकि काव्या नहीं तो उसे ज़बरदस्ती भेजा था इस लंच पे यहाँ काव्या ड्राइव करती है थोड़ी देर में वो उस लड़की की कार को देख लेती है कार जो है वो सिग्नल पे रुकी हुई थी यहाँ लवनया उस कार से तीन कार पीछे थी लवनया सॉरी काव्या तुरंत अपनी कार वहीं पे छोड़ देती है और कार से बाहर निकल के भागती है वो जैसे उस लड़की की कार के पास आती है तो वो देखती है कि वो लोगों ने एक साथ कार में मतलब सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी इतने में ही काव्या गुस्से से उसके साइड का दरवाज़ा खोलती है जिस पे वो लड़की लटक जाती है और काव्या तुरंत उसको कॉलर से पकड़ के बाहर निकालती है और वहीं पब्लिक में ही मतलब उसे थप्पड़ मारने लगती है हाउ हाउ यू टच मी तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा कवि बोधी तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे टच करने की हाँ तुम्हारी तो और से झगड़ने लगती जिस पर कभी वो तो होता तुम्हारे भी इस पर नज़र खराब थी मैं तो पहले ही सोचूं कितनी हॉट लड़की है तुम्हारी ऑफिस में वो भी तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारी नियत क्यों कैसे ही खराब नहीं होगी उसमें वैसे इसमें थी तुम्हारी नहीं आई है इतनी सेक्सी एक काम करते ना शेयरिंग कर लेते हैं थ्री सम करते हैं चलो जिस पर कह्य बोधी बकवास कुछ हो तुम मैं जहाँ ले लूँगी तुम्हारी और काव्य उससे फाइट करने लगती है तो उससे थोड़ा पीटती हैं देन वो लवनया को कार से निकालती है लवनया तो फुल नशे में मतलब ना उससे चला जा रहा था ना उसकी आंखें खुल पा रही थी काव्या लवन्या को संभालते हुए उसे अपनी कार में बिठाती है सीट बेल्ट लगाती है उसे ले सीधा अपने घर आ जाती है लवनया बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी काव्य उसे संभालते हुए अपने बेडरूम में ले जाती है बेड पे लेट आते हैं काहव्य को बहुत बुरा लग रहा था मतलब कितनी घटिया लड़की के साथ उसने लवनया को भेज दिया था काव्य को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था काव्य लवनिया का हाथ पकड़ के थी आई एम सो सॉरी आई एम सॉरी पता नहीं मैंने तुम्हें सॉरी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो काव्य को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा काव्या लोवन्या के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और अपने बेडरूम से खुद बाहर चली जाती है काव्या बाहर आके कर सोफ़े पे बैठती है अपनी आंखें बंद करती है और तभी उसे ना मतलब हल्का हल्का सा दिखाई देने लगता है कुछ अजीब सा उसे कुछ समय नहीं आ रहा होता वो एकदम से उठती है और वापस अपने बेडरूम में आ जाती है या लोवनिया को शायद गर्मी लग रही थी उसने पूरा ब्लैंकेट उतार दिया था और वो ऐसे ही लेटी हुई थी जो लवनिया की शर्ट थी ना वो ऊपर हो गई थी काव्या मतलब नजरें चुरा रही थी लेकिन बार बार उसकी नज़र ना लवनिया की पैक की तरफ ही आ रही थी इसलिए काव्या उठती और लवनिया की शर्ट को यूँ थोड़ा नीचे कर दिया तभी लवनिया आयू टर्न होती है और काव्या काव्यायूँ लवनिया को देखती है लवनिया की वो मुलायम मुलायम पिंक पिंक से लिप्स लवनया की वो नेक लवनया की वो बैक उसकी वो पहली बटन मतलब तो काव्या कहाव्य के स्टैंड अचानक सब चीज़ों पे जा रही थी अभी काव्या तुरंत तो बाहर जाती नो नहीं नहीं शी 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 इज़ शी, शी, एम्प्लॉय इंप्लो, और, और मेरा एक रोल है एम्प्लॉय के साथ कभी डेट नहीं और काव्या इतना बोल के अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है जो भी हुआ और उसे कहती है कि अब तुम खुद उस लड़की को संभालो कि मैं उसे संभालू जिस पर कहते हैं आई एम सॉरी मेरी वजह से सब कुछ हुआ आई कैन हैंडल हर रिलैक्स और वो तुम्हारी इंप्लॉयी वो वो ठीक तो है ना काव्या बहुत सही टाइम पे पहुंच गई तभी बच गई वो नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या अनर्थ हो जाता और उसके साथ कुछ भी हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती जिस पर कहते हैं उस लड़की की वीकनेस ये है हॉट एंड सेक्सी लड़कियाँ क्या तुम्हारी इंप्लॉयी सच में इतनी सेक्सी है क्या जो वो खुद को संभाल नहीं पाई काव्या बहुत पता नहीं मैंने कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा और मुझे तो वो बिल्कुल चैकसी नहीं लगती लगता है उसकी चॉइस ही बेकार है जिस पर उसका फ्रेंड हंसने लगता है चलो ठीक है मैं देख लूँगा उसे तुम रिलैक्स रहो यहाँ गाव्या फिर अपने रूम में आती है चेंज करने के लिए तभी उसकी नज़र लवनिया पे जाती है गाव्या खड़े होकर लवान्या को ऊपर से लेके नीचे तक देखती है और कहती है लवनिया से सेक्स तो है अच्छी मैं मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं और कहा तो के बाहर चली जाती है यहाँ लवनिया जो वो तो नशे में थी वो उठती ही नहीं है लवनिया की आँख ना अगले दिन भी थी शाम में जाके खुलती है लवनिया एकदम सर पकड़ के उठते हैं हाँ मेरा सर तभी वहाँ कहा आती है उठ गई तुम लवनिया बोलती मैं कहाँ अब मेरे फ्लैट पे क्या कर रहे हो जिस पे काव्य बोती है अच्छे से देखो तुम तो मेरे घर पे हो इट्स माय रूम लमन बोती पर पर मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ मैं मैं यहाँ कैसे आई ओ मेरा सर ओ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा लमन अपना सर पकड़ के चीखने लगती है तभी काव्या लमन यहाँ के दोनों हाथ पकड़ते हैं इधर देखो मेरी तरफ तुम ठीक हो सेफ हो अब कुछ मत सोचो जाओ फ्रेश हो जाओ लवन अब पर मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा काव्या बुद्धि मैंने बोला ना सब ठीक है जाओ शावर लेके आओ शू फील बेटर लवन अबूती पर मैं आपके घर कैसे खावे बोती बोला ना शावर लेके आओ लवन अबूती चिल्ला क्यों रहे हो हाँ फिर लवन बेड से नीचे उतरते वो वॉशरूम में जा दिया फ़्रेश होते हैं। और तभी काव्य बोते है। हैं मैंने बेड पे कपड़े रख लिया चेंज कर लेना काव्य रूम से बाहर चली जाती है लवन्या ने शावर भी ले लिया था लेकिन अभी भी उसका सर दर्द जा ही नहीं रहा था लवन्या शावर लेने के बाद चेंज करने के बाद फिर से बेड पे सो जाते हैं क्योंकि शायद अभी भी उसका नशा नहीं पूरी तरह से उतर रहा था यहाँ काव्य होती है ये लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई काव्य लवनिया को देखने के लिए वापस बेडरूम में आते हैं जहाँ वो देखती है कि लवनिया फिर से बेड पे सो गई काव्य हंसते कहते लगता है इसका दिल ही नहीं कर रहा मेरे रूम से बाहर निकलने का कुछ ज़्यादा सोफ नहीं है मेरा बेड जिसे छोड़ना ही नहीं चाहती काव्य इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और ख़ुद बाहर चली जाती है यहाँ लवन आज उसके एक घंटे बाद फिर से आग खुलती है और वो मम्मा मम्मा करके चिल्लाने लगती है तभी वहाँ कहव्य आती है क्या वो तुम आधी रात में चिल्ला क्यों रही हो लवन है हाँ मम्मा है मम्मा मम्मा कहव्य बोती तुम्हारी मम्मा यहाँ क्या करेंगी तुम्हारे घर होंगी ना चुप चुप हो जाओ आधी रात में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया मेरे सर दर्द कर रहा है लेकिन लवनया तो बच्चों की तरह चिल्लाए जा रही थी काव्य लवनिया के फेस पे हाथ रखते चुप इधर देखो मेरी तरफ इट्स मी काव्य शर्ट बॉस और प्लीज चुप हो जाए दैट्स माई ऑर्डर लवन बोलती, बोती बॉस पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मुझे मेरे घर जाना है <laughs> काव्य बोति अच्छा कुछ करना पड़ेगा काव्या जाती है जल्दी से कॉफ़ी बना के लाती है लोग यू फील फी बेटर लवनया कॉफ़ी पीती है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है वो अपनी अच्छे से आंखें खोलती है और काव्य को देख के चिल्लाने लगती है काव्या तुरंत लमनिया के मुँह पर हाथ रखती है अब चिल्ला क्यों रही हो तुम लमन बोती मैं आपके घर क्या कर रही हो लमनिया तुरंत डैट से नीचे उतरती है मेरे कपड़े मेरे कपड़े किसने चेंज किए कहाव्य बदी पागल हो तुम तू नहीं शावर लिखी खुद ही चेंज किया था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कहाव्य क्यों क्योंकि तुम्हें ड्रग दिए गए थे इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा लम्बे बती ड्रग मैं ड्रग नहीं लेती कि, 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 किसने दिया मुझे काव्या बदी देखो छोटा सा एक प्रैंक किया था तुम्हारे साथ किसी ने पर तुम ठीक हो ठीक हो ना तुम लाने वो हाँ ठीक ठीक घर जा घर जाना है मुझे मुझे घर जाना है कहा है बोती स्टू ले लो सो जाओ सुबह चली जाना लवनिया बोती नहीं मुझे अभी घर जाना है लवने बच्चों की तरह चिल्लाने लगते है कहा बोती ओके 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 फाइन ठीक है चलो आई ड्रॉप यू यहाँ कहावे अपनी कार निकालती है लवने अपने बालों में हाथ फेरते हुए यूँ कार में आके बैठती है कहावे ड्राइव करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग सीधा बोल जाते हैं लवन्या के फ्लैट के बाहर वहाँ लवनया जो है वो अपने फ्लैट के बाहर देखते उसका सारा सामान फ्लैट के बाहर पड़ा था लवनया बोलते मेरा सर रत बाहर क्या कर रहा है ये, प, की, की लक क्यों नहीं रही है तभी तो वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटते अंदर से एक लड़की निकलती पागल हो गया आधी रात को मेरे फ्लैट का दरवाज़ा क्यों पीट रही हो जिस कहती तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा ये मेरा फ्लैट है मैं मैं रहती हूँ यहाँ पे जिस पर कहती रहती थी तुम अब ये मेरा फ्लैट है लवनया बोलती पर ऐसे कैसे तुम्हारा वेट है जिस पर गए थे जाके लैंड रेडी से बात करो मेरा सर मत खाओ मुझे सोने तो सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है यहाँ लमनया एकदम शौक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे वहाँ काव्या जो है वो दूर खड़ी ये सब देख रही थी लमनिया जो है वो तुरंत अपनी लेडी लैंड लेडी के फ्लैट पे आती है वो कहती है मैंने आपको पैसे दे दिए थे ना जिस पर कहती वो आधे पैसे भी नहीं थे बाकी पैसे कब दे रही हो तुम मैंने बोलती मेरी फ्रेंड जैसे ही देगी मैं, मैं आपको दे दूंगी जिस पर गई तुम पागल हो एक बार कोई किसी के पैसे खा जाए तो वापस नहीं देता भूल जाओगे तुम्हारे दोस्त तुम्हें पैसे देगी मैं भी भूल गई थी कि तुम मुझे किराया दोगी इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारे साथ साथ मेरे भी घर चे मुझे भी अपना घर चलाना है अब जाए यहाँ से अपने लिए कोई फ्लैट देखना है लवनिया बोलती प्लीज़ ऐसे क्यों करिए मैंने बोला था ना मैं आपके सारे पैसे दे दूँगी प्लीज़ 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 प्लीज, मैं कहाँ जाऊँगी इतनी रात में पर वो लेडी जो होती है वो लवनिया की बिल्कुल बात नहीं मानती और लवनया को धक्का देती है लवनया गिरने वाली थी पर कावे उसे होल्ड कर लेती है काँवे लवनिया कहती तुम ठीक हो ना लवनया हाँ हमें सर हिला दिया कावे लवनया को यूँ साइड कर दिया और इस लैंड लेडी को बोलती है ये क्या तरीका है हाँ किसी से बात करने का जिस पर कहती है तुम मुझे तरीका मत सिखाओ आधी रात में किसी के घर आके खुद दरवाज़ा पीट रहे हो ये कौन सा तरीक़ा है जाओ अब सोने दो मुझे लवनिया बोदी प्लीज़ 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 प्लीज, प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़ मैं 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 सच में आपके सारे पैसे दे दूंगी जिस पर कहती है अपनी इस दोस्त के लेके जाओ यहाँ से सारे पैसे दे दो तो तब भी अब तुम्हें मैं अपने घर में रहने को नहीं दूंगी यहाँ काव्य बोती तुम चलो यहाँ से हमने बोती आप प्लीज़ चुप रहिए हम प्लीज़ 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 प्लीज, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ काव्य बोती तुम सोरी को कह रही हो उसे उसने तुम्हारी साथ बदतमीजी की है तुमने नहीं हमने बोती आप प्लीज़ चुप रहेंगी आपके पास तो रहने के लिए घर है ना पर मेरे पास नहीं है प्लीज़ चुप रहिए आप प्लीज़ प्लीज़ हम सॉरी मैं अपने बॉस की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्लीज़ हम सॉरी प्लीज़ मुझे रहने दीजिए ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूँगी काव्य बोती ओके फाइन कितना रेंट है तुम्हारा मैं दे दूँगी जिस पर लेडी बोलती है तुमसे लूंगी मैं निकलो यहाँ से और लवनिया तुम तुम्हें कोई घर नहीं मिलेगा भी यहाँ रहने के लिए कहाव्य लवनिया को पति सुनिए आप चलो यहाँ से लवनिया पती पर मैं कहाँ जाऊँगी सब आपकी गलती है आपकी वजह से लैंड लेडी ने मुझे निकाला काहव्य पती वाह रेंट तुमने नहीं भरा और मेरी वजह से तुम्हें निकाला क्या है लमन याबोती अब तो की गलती आपने क्यों उनकी बदतमीज़ी की काव्य बोति तुम क्या चाहती हो मैं जाके उस औरत से सॉरी बोलूँ ऐसा कभी नहीं होगा लमन याबोती हाँ आपको सॉरी बोलना पड़ेगा तभी वो मुझे रहने को देंगी काव्य बोति बोल जा लमन याबोती तुम तो मैं कहाँ रहूँगी आपकी गलती है आपकी वजह से मेरा फ्लैट जुटा है मुझे नहीं पता आप सोरी बोलिए जाके उन्हें काव्य बोधी तुम ज़्यादा सर पर नहीं सवार हो रही मेरे हाँ बहुत सो तुम्हारी फ्रेंड नहीं किस प्रेम में बात करी मुझे मैं किसी से सोरी नहीं बोलूँगी सॉरी आई मैंने अपने बाप को भी नहीं बोला तो ये औरत क्या चीज़ है लमन मोदी प्लीज़ बोस मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़ 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 प्लीज, सॉरी बोलो ना क्या ये गो बेचारी का सर से छत छीन गई आपकी वजह से बहुत बहुत ही गलती तुम्हारी थी टाइम से टेंट भर देती तो ऐसा होता ही नहीं लमन आना वहीं बैठ के रोने लगे <laughs> सब मेरे साथ ऐसा करते हो मेरी गलती नहीं थी मुझे दोस्त की गलती थी उसने मेरा रेंट खाया और ऊपर से आपकी वजह से क्या जो तुमसे बदतमीजी करने की एक सोरी तो बोलें प्लीज़ बोल दो ना कावे बोधी तुम बस इतना चाहते हो ना तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए लवनिया बोधी कावे बोधी तो ठीक है तुम मेरे घर रह सकती हो अब सामान उठाओ और अपना रखो मेरे कान में लवनिया बोदी हाँ आप आपके घर काव्या बोती नहीं रहना तो फाइन यहीं बैठो रोड पे सौ मैं जा रही हूँ मैंने बोती ओके 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 प्लीज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज प्लीज, 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 प्लीज मत जाइए मैं कहाँ जाऊँगी इतनी रात में लवनिया सारा सामान उठा के डिग्गी में रखने लगती है पर एक बैग बहुत भारी था लवनया उसे उठाने के चक्कर में खुद गिरने वाली थी एक हाथ से काव्या कांव्या वो लवनिया को बहुत होल्ड कर ली थी और एक हाथ से वो बैग को होल्ड कर ली थी क्योंकि बैग भी गिरने वाला था ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं दोनों ये आई कॉन्टेक्ट होता है और फिर काव्या तुरंत लमन्या से दूर हो जाती है देख के काम नहीं होता तुमसे और फिर काव्या वो, वो बैग उठा के खुद कार में रखती है और कार में बैठ जाती है लवन्या भी कार में बैठ जाती है और फिर काव्या ड्राइव करती है थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही काव्या लवन्या को लेके अपने घर आ जाती है यह काव्या तो अपने बेडरूम में जाके आराम से लेट जाती है लेकिन लवन्या वो बाहर लाउंज में बैठी सोफे पर ही सोच रही थी हाँ तो गई लेकिन बॉस के साथ कैसे रहूँगी मैं ये कितना वेट है सुबह उठते ही मुझे अपने रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा कोई बात ही फिर रहने को जगह तो मिल गई ना लवन ने आश्चर्य यही सोचा और लवन ने इतना बोल के सोफे पे ही लेट जाती है सोने की कोशिश कर रही थी बच बेचारे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था उसने कुछ खाया नहीं था उसके पेट में ना भूख के मारे छुए तोड़ रहे थे बेचारी अपना पेट पकड़ के वहीं बैठी थी और सोच रही थी हाँ इतनी भूख लगी क्या करूँ <laughs> खाना कहाँ से लाऊँ तभी यहाँ काव्या पानी पीने के लिए उठते वो लवन्या को देखते जो अपना पेट पकड़ के बैठी थी काव्या किचन में जाती है पानी पीने के साथ साथ वो खाना गर्म करती है और लवन्या के सामने टेबल पे खाना रखते हुए खुद रूम में जाके सो जाती है यहाँ लवनया उस खाने को देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है वो बच्चों की तरह खाना खाती है तभी यहाँ काव्या को ठंड लगने लगती है वो ब्लैंकेट उठाने के लिए उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि मुझे बेडरूम में भी इतनी ठंड लग रही है तो लवन्या को भी तो बाहर ठंड लग रही होगी काव्या बाहर आती है लवन्या बाहर सोफे पर यूँ सुख की लेटी हुई थी ठंड के मारे काव्या अपने साथ एक ब्लैंकेट लाई थी जिसे वो लवन्या के ऊपर ओढ़ देती है और लवन्या का जो था वो नीचे गिर गया था तो उसे ठीक से, से रख दिया और लवनिया के बाल फेस पे आ रहे थे तो कहाव्य उन बालों को साइड कर दिया और फिर खुद रूम में जाके सो जाती है गाइस so आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि बिंद दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट होगी कैसे स्टार्ट होगी और पहले प्यार में कौन पड़ेगा आप लोग को क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट कौन सा सीन या फिर कौन सा टाइलोग अच्छा लगा चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में टेक केयर